अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम्स के एसी अंडर इंडेक्स अपडेट। के एसी अंडर इंडेक्स ने 149 पॉइंट्स लूज किए हैं और इंडेक्स क्लोज हुआ है 47,640 के लेवल पे। मार्केट में अगर हम पार्टिसिपेशन की बात करें तो आज इंप्रेसिव वॉल्यूम्स आए, 207.12 मिलियन वॉल्यूम्स का बिजनेस हुआ, जो कि कंपैरेटिव सेशन में 165.23 मिलियन वॉल्यूम का बिजनेस था। पांच दिनों की अगर हम एवरेज की बात करें तो 152.31 मिलियन वॉल्यूम्स हैं, और अगर 30 दिनों के एवरेज वॉल्यूम की हम बात करें तो 162.13 मिलियन वॉल्यूम्स बनते हैं। तो मार्केट में आज अगर पार्टिसिपेशन हम देखें तो पार्टिसिपेशन बहुत इंप्रूव हुई है। ऑल्दो मार्केट ने पॉइंट्स लूज किए हैं, बट चेंज ऑफ ट्रेंड्स जरूर हुआ है। मार्केट सुबह ओपन हुई 47,807 के लेवल पे, जबकि प्रीवियस क्लोज 47,789 का था। पॉजिटिव नोट पे ओपन हुई, हाई देखा 47,896 का लेवल, जो कि 106 पॉइंट्स बनते हैं, और नेगेटिव साइड पे इंट्राडे में 207 पॉइंट लूज किए, जो कि 47,582 का लेवल बनता है। स्पेसिफिक स्टॉक्स में 35 स्टॉक्स की प्राइसेस इंक्रीज हुई है, 62 की डिक्रीज हुई है, और 3 की प्राइसेस अनचेंज रही। सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन में ऑटोमोबाइल ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं, 12.50 पॉइंट्स, फॉलोड बाय इंश्योरेंस विद 9.90 पॉइंट्स, एंड देन टेक्सटाइल स्पिनिंग विद 4.69 पॉइंट्स। नेगेटिव साइड पे मिसलिनियस सेक्टर ने सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए, 36.07 नेगेटिव पॉइंट्स, फॉलोड बाय सीमेंट सेक्टर विद 21.67 पॉइंट्स, एंड देन टेक्नोलॉजी सेक्टर विद -20.21 पॉइंट्स। अगर हम कंपनी वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो JLICL ने सबसे ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड किए, 9.46 पॉइंट्स, फॉलोड बाय MTL विद 8.84 पॉइंट्स, एंड देन PTC विद 8.08 पॉइंट्स। नेगेटिव साइड पे PSEL ने सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं, -36.07 पॉइंट्स, फॉलोड बाय सिस्टम विद -15.32 पॉइंट्स, एंड देन TRG विद -12.98 पॉइंट्स। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडेक्स जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में हमें जो है पूरा दिन दिखाई दिया। ऑल्दो मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, बट जो रेजिस्टेंस लेवल्स हम डिस्कस कर रहे हैं वहां से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो गई। अभी सिचुएशन अगर हम देखें तो हमारे पास जो सिचुएशन इवॉल्व हो रही है डेली चार्ट्स पे, ऑल्दो हमारे पास एक बाय सिग्नल जनरेट होने के करीब है, और लेकिन अगर हम देखें यहां से 28 जून से लेकर अभी तक की इंडेक्स की मूवमेंट, तो इंडेक्स जो है वो साइडवेज में जो है वो ऑपरेट करता हुआ नजर आ रहा है। इंडेक्स तकरीबन 46,900 से लेकर 48,100 की रेंज जो है वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा। ये हमने डिस्कशन काफी टाइम से स्टार्ट की थी कि जब तक इंडेक्स जो है वो इधर साइड पे 48,100 को इधर क्रॉस कर जाए और 47,000 या 46,900 का लेवल से नीचे आ जाए तभी जो है इंडेक्स की डायरेक्शन सेट होगी। करंट RSI 51 का है, और अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं तो 47,572 का इमीडिएट सपोर्ट अवेलेबल है, ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है, और इसके बाद 47,485 का लेवल बनता है। तो 47,485 और 47,572 के जो लेवल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हैं इंडेक्स को सपोर्ट देने के लिए। लेकिन अगर 47,572 से नीचे हमारे पास अर्ली डेली क्लोजिंग आ जाती है तो उसके बाद हम देखेंगे कि इंडेक्स दोबारा अपने आप को 47,317 की तरफ एक्सपोज कर देता है। तो कल के सेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इंडेक्स जो है वो एटलीस्ट अपनी क्लोजिंग जो है वो 47,572 से ऊपर दे, और ऑप्टिमल जो बेस्ट क्लोजिंग हो सकती है वो ये है कि इंडेक्स अपना रेजिस्टेंस लेवल 47,717 से ऊपर क्लोजिंग दे दे। अगर इंडेक्स 47,717 से ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब हो जाता है और वॉल्यूम्स रोल इन होते हैं तो फिर हम देखेंगे कि 47,812 का रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इंडेक्स अपने लिए ओपन कर लेगा। इंट्राडे लेवल्स की अगर बात करें तो इंट्राडे लेवल में हमने कल डिस्कस किया था कि 47,900 की तरफ इंडेक्स के पास जो है वो रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आ रही है, वो रेजिस्टेंस अभी भी इंटैक्ट है। अगर हम देखें तो 47,777 से नीचे क्लोजिंग देना जो है वो इंडेक्स के लिए थोड़ा सा परेशान कुन हो सकता है, क्योंकि कल एक जो है हमारे पास सेल सिग्नल जनरेट होता हुआ हमें नजर आया था जो लास्ट 3 घंटों की एक्टिविटी थी उसके बाद, और आज हमने देखा कि इंडेक्स ने पहले घंटे में ऑपरेट करने की कोशिश की लेकिन एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग आई और उसके बाद इंडेक्स कंटिन्यूसली जो है वो डाउन साइड पे आता रहा। 47,770 से नीचे क्लोजिंग आना जहां एक तरफ थोड़ा सा परेशान कुन मामला है, वहां पे हम देखें तो 47,590 के से इंडेक्स ने सपोर्ट भी लिया। तो 47,590 की एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इंट्राडे लेवल्स में हमारे पास अवेलेबल है। इंट्राडे में हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस नजर आ रही है, वहां पे जो है सिचुएशन अच्छी इवॉल्व होती हुई नजर आ रही है। तो अगर इंडेक्स 47,590 को रिस्पेक्ट कर लेता है, यहां से ऊपर अर्ली बेसिस पे ऑपरेट करता है, तो फिर 47,770 का रेजिस्टेंस लेवल, 47,843 का रेजिस्टेंस लेवल, और उसके बाद 47,908 का रेजिस्टेंस लेवल इंडेक्स अपने लिए ओपन करेगा। लेकिन अगर इंडेक्स 47,590 से नीचे आया तो फिर 47,450 की सतह जो है वो भी एक्सपोज हो सकती है। करंट RSI जो है वो 46 का है, जिसका मतलब यह है कि अगर इंडेक्स में मजीद प्रेशर आता है तो इंट्राडे टर्म्स में इंडेक्स बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड की तरफ चला जाएगा और वहां से कोई भी पुल बैक जो है वो इनएविटेबल होगा। स्ट्रेटजी अगेंस्ट सेम है, स्ट्रेटजी वही है कि जब तक इंडेक्स अगर आप ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से देखते हैं तो अपसाइड पे जो है वो
वो 48,000 से 48,100 को क्रॉस करना, वहां से ऊपर ब्रेकआउट देना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बीयर्स के कंट्रोल की बात करें तो 47,000 से नीचे कंसिस्टेंट क्लोजिंग देने की के बाद ही जो है वो बीयर्स जो है वो स्ट्रेंथ गेन करना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज एज ऑफ नाउ जो है वो रेंज बॉन्ड एक्टिविटी ही इंडेक्स की नजर आ रही है, जो 46,900 से लेकर 48,100 के दरमियान में, या आपके 1,100 पॉइंट्स का जो रीजन बनता है इसी में ऑपरेट करता हुआ नजर आ रहा है। दिस वुड बी ऑल फॉर टुडे सेशन। उम्मीद है टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू विद योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज। और अगर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से आपके लिए वैल्यू एड हो रही है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन टाइमली मैनर में आपको मिल सके। अंटिल नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।